वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग को। किसको पढ़ेंगे? एनिमल ब्रीडिंग को। चलिए बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है। तो देखो, अगर एनिमल ब्रीडिंग की हम बात करें टेक्निक्स के बारे में, तो हमें दो टाइप्स की टेक्निक पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें नेचुरल टेक्निक, दूसरा क्या पढ़ना है, आर्टिफिशियल टेक्निक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल टेक्निक्स। चलिए अगर नेचुरल टेक्निक्स की बात करें तो इसमें हमें दो टेक्निक्स पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है? इनब्रीडिंग। दूसरा क्या पढ़ना है? आउटब्रीडिंग। तो सबसे पहला टेक्निक हम क्या पढ़ेंगे नेचुरल टेक्निक में? इनब्रीडिंग। तो अगर हम इनब्रीडिंग की बात करें, इनब्रीडिंग क्या होता है, किसके बीच में इनब्रीडिंग कराते हैं? तो मेनली इनब्रीडिंग किसके बीच में कराते हैं? इसमें जो मेटिंग होता है, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल within same breed for 4 to 6 generation ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसमें हम मेटिंग किसी कराते हैं? देखो, क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल या एनिमल्स की जो बिल्कुल क्या हो, सेम ब्रीड क्या हो, फॉर 4 to 6 जनरेशन के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें समझना है, तो जैसे आपसे बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या लेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम सिलेक्शन करेंगे सुपर मेल एंड सुपर फीमेल की। जैसे आप बात करो सुपर मेल मतलब कि जो बुल है, जो क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है। ठीक है, यानी उसकी जो पोजनी होगी, जो बुल आएगा वो भी क्या होगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी अगर मेल होगा तो। फीमेल में भी हम क्या करेंगे, सुपीरियर स्पीसीज पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप बोलते हो कि काऊ जो क्या है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम करते क्या है, सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल सेलेक्ट करते हैं, जो कैसे होना चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए, जो सेम ब्रीड के हों, 4 to 6 जनरेशन के लिए। उनके बीच में हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। जो नेचुरल टेक्निक्स का फर्स्ट मेथड है, आप बोल सकते हो एनिमल टेक्निक। एनिमल ब्रीडिंग में क्या है, हमें पहला क्या पढ़ना है, इनब्रीडिंग को पढ़ना है। चलिए एग्जांपल के बेसिस पर हम बात करते हैं। जैसे हम लेंगे सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल, सेम ब्रीड के हैं तो हम इनका कॉमन सिंबल से इंटरप्रेट करेंगे। जैसे आपने बोला ए क्या है, सुपीरियर मेल है, और सुपीरियर फीमेल भी क्या है, कैपिटल ए। ठीक है, अगर इनकी जीनोटाइप की बात करें तो क्या होगा आपका, कैपिटल ए कैपिटल ए, इसका भी होगा, इसका भी क्या होगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी। इससे जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा। इससे जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, इनके बीच में अगर हम मेटिंग कराएं तो होगा क्या, जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए। ये भी कैसा होगा, सुपीरियर ही होगा। कैसा होगा, सुपीरियर। ठीक है, एंड जो ऑफस्प्रिंग आएगा कैसा होगा, सुपीरियर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन ब्रीडिंग के थ्रू, अगर हम ऐसा क्रॉस कराते हैं क्लोरेटेड स्पीसीज के बीच में या इंडिविजुअल के बीच में, तो हमें क्या मिलता है, होमोजाइगोसिटी। क्या मिलता है, होमोजाइगोसिटी। तो आप बोलते हो कि इन ब्रीडिंग के ड्यूरिंग हमें, यानी ड्यूरिंग इन ब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी
ठीक है, इन ब्रीडिंग के थ्रू क्या होता है, होमोजेगसिटी फॉर्म होता है, यानी सेम करेक्टरिस्टिक के क्या होता है, इंडिविजुअल वेरे फॉर्म होते हैं ऑफस्प्रिंग वेरे, तो हम बोल सकते हैं होमोजेगोसिटी वेरे क्या होता है, इन ब्रीडिंग के थ्रू हम देख सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, ठीक है, होमोजेगोसिटी फॉर्म तो होता है पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, ठीक है, तो होमोजेगोसिटी के थ्रू क्या ड्रॉबैक हो सकता है, ठीक है, तो होमोजेगोसिटी के थ्रू होता क्या है, कई सारे हार्मफुल रिसेसिव जीन क्या होते हैं ऑफस्प्रिंग में हमें एक्सपोज होते हैं, यानी होता क्या है, एक्सपोजर और सम हार्मफुल रिसेसिव जीन, ठीक है, का क्या होता है, हमें ऑस्प्रिंग में देखने को मिलता है। अब इसको हम बोलते क्या हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी डिफरेंट हार्मफुल रिसेसिव जीन का एक्सपोज होना किसमें, ऑस्प्रिंग में, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बट इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम ठीक भी कर सकते हैं, कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, अब इनब्रीडिंग, अब डिप्रेशन है तो इसे होगा क्या लॉस, तो पहले लॉस देख लेते हैं। तो इससे होता क्या है, पहला तो जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, साथ साथ अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, एनिमल की वगैरह प्रोडक्शन वगैरह की, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कम टू प्रिवेंटेड बाय आउटक्रॉसिंग, कैसे कर सकते हैं, आउट क्रॉसिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब आउट क्रॉसिंग क्या है, ये भी नेचुरल ब्रीडिंग का मेथड है, जब हम पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग तो उसमें क्या आएगा, आपको पढ़ने हैं आउट क्रॉसिंग आएगा। इसमें हम करते क्या है, इसमें भी हम मेटिंग कराते हैं अनरिलेटेड एनिमल्स का, ठीक है, जिसके कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो, ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आउट ब्रीडिंग को क्या पढ़ना है, आउट ब्रीडिंग। चलिए देखते हैं आउट ब्रीडिंग क्या होता है। देखिए आउट ब्रीडिंग में क्या है, आपका नेचुरल टेक्निक से ही है, ठीक है, आउट ब्रीडिंग में क्या है, आपका नेचुरल टेक्निक से ही है। इसमें नॉर्मली हम करते क्या है, मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल, अन रिलेटेड एनिमल्स हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, जिसे कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग में हमें तीन क्रॉस पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, आउट क्रॉस पढ़ना है, सेकंड क्या पढ़ना है, क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ना है, एंड थर्ड क्या पढ़ना है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। चलिए आउट ब्रीडिंग में पहला हम क्या देखते हैं, आउट क्रॉसिंग क्या देखेंगे हम, आउट क्रॉसिंग। तो इसमें हम पहला क्या देखेंगे, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है, ये कैसा है आपका आउट ब्रीडिंग का मेथड, तो आउट क्रॉसिंग में हम करते क्या है, मेटिंग कराते हैं एनिमल की, मेटिंग एनिमल विद नो कॉमन एंसेस्टर,
नो कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, अप टू फोर टू सिक्स जनरेशन, फोर टू सिक्स जनरेशन हम करते क्या है, इसमें हम मेटिंग कराते हैं एनिमल की जिसकी कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो अप टू फोर टू सिक्स जनरेशन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं आउटक्रॉसिंग। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले आउटक्रॉसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन ब्रीडिंग रिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम सेम ब्रीड में हम करते हैं फोर टू सिक्स जनरेशन क्रॉसिंग इन ब्रीडिंग में, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फोर टू सिक्स जनरेशन में करते तो है क्रॉसिंग बट उससे कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं इन ब्रीडिंग रिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकेंड हमें पढ़ना हो क्या पढ़ना है, सेकेंड हमें पढ़ना है क्रॉस ब्रीडिंग, क्या पढ़ना है सेकेंड क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग कैसे करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग में जनरली हम करते क्या है, सबसे पहले तो जैसे आप बोलते हो सुपीरियर, एग्जांपल के बेसिस पर समझते हैं इसको क्रॉस ब्रीडिंग को, सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल देते हैं। अब हम करते क्या है, जैसे आपने बोला सुपीरियर मेल क्या है आपका ए है, सुपीरियर फीमेल क्या है आपका बी है, अलग अलग है आपके स्पीसीज। अब इसकी अगर आप जीनो टाइप की बात करो, अगर इनसे कैसा स्पीसीज फॉर्म होगा अगर हम क्रॉस कराएं तो कैपिटल है यही फॉर्म होगा ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ये भी कैसा होगा सुपीरियर ही होगा, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल के बेसिस अगर बात करें, पंजाब में एक सिप की स्पीसीज न्यू स्पीसीज फॉर्म की गई जिसका नाम क्या है हिसार डेल, क्या नाम है हिसार डेल, ठीक है। कैसे फॉर्म किया गया, सुपीरियर मेल कौन था मैरिनो रेंस और सुपीरियर फीमेल की बात करें तो बीकानेरी ईव, ठीक है, दो अलग अलग शेप की वैरायटी या हो सकते हो ब्रीड, इनके बीच में क्या किया गया क्रॉस कराया गया, क्रॉस कराने के बाद क्या बना आपका हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग बना जो भी कैसा था सुपीरियर था, जिससे क्या किया न्यू शेप की वैरायटी फॉर्म की गई जिसको हम बोलते हैं हिसार डेल, ठीक है। ये कहाँ फॉर्म किया गया था पंजाब में, ठीक है, पंजाब में हिसार डेल न्यू शेप की वैरायटी है, इसको कैसे फॉर्म किया गया क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू फॉर्म किया गया। अब कैसे क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया इस मैरिनो रेंस सुपीरियर में, वैसे सुपीरियर फीमेल की बात करें तो बीकानेरी ईव, इनकी दो अलग अलग शेप की वैरायटियाँ हैं जिसके बीच में क्रॉस कराया गया, क्रॉस करके क्या फॉर्म किया गया न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म किया गया, वो भी कैसा था सुपीरियर ही था, ठीक है, जिसका नाम कर दिया गया हिसार डेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्या पढ़ना है थर्ड हम क्या पढ़ेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है भाई इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम करते क्या है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, आर मेटिंग, इसमें दो अलग अलग स्पीसीज को बीच में क्या करते हैं हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल के बेसिस पे देखते हैं, सेम वैसे ही अगर हम बात करें सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल, ठीक है, अगर इनके बीच में हमें क्रॉस कराना है जैसे आपने बोला सुपीरियर मेल एक अलग स्पीसीज है और ये सुपीरियर फीमेल भी क्या है अलग स्पीसीज है, अगर इनके बीच में हम मेटिंग कराते हैं तो होगा क्या हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स एंड वाई, ये क्या होगा आपका हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड ही होगा ना, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होगा,
पर होगा कैसा, सुपीरियर ही होगा। तो अगर आप इसको भी एग्जांपल के बेसिस पे रिलेट करो तो हम करते क्या हैं, हॉर्स एंड डोंगी के बीच में क्या करते हैं, जैसा बोलते हो कि फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंगी के बीच में करते हैं क्रॉस कराते हैं, हमें जो हेटरोजाइगस हाइब्रिड स्पीशीज मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूल। क्या बोलते हैं, म्यूल। ठीक है, अब म्यूल में दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है हॉर्स एंड डोंकी के, तो म्यूल का मेनली यूज किस पे करते हैं, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा लेबर कर सकता है, ज़्यादा वर्क कर सकता है। अब इसका यूजेज हम करते क्या है, पहाड़ी इलाकों में जो सामान वगैरह आप देखते हो वहाँ पे मेन साधन क्या होता है, म्यूल ही होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करता है, जो भी मटेरियल्स वगैरह को सप्लाई वगैरह करता है, पहुँचाता है वगैरह। साथ साथ अगर आप वैष्णो देवी वगैरह गए होगे तो वहाँ पर म्यूल का यूज़ किस लिए करते हैं, टूरिस्ट को चढ़ाई करने के लिए करते हैं या ले जाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो म्यूल क्या है आपका, हाइब्रिड स्पीसीज है, आप बोल सकते हो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है, पर सुपीरियर है। ठीक है, इसमें हम करते गए दो डिफरेंट स्पीसीज, मतलब देखो डोंकी अलग स्पीसीज है, हॉर्स अलग स्पीसीज है, इसके बीच में क्रॉस कराया, क्रॉस करा के फॉर्म किया न्यू स्पीसीज फॉर्म किया, जिसको क्या बोला, म्यूल बोला। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल टेक्निक ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल टेक्निक ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। चलिए आर्टिफिशियल टेक्निक देखते हैं। आर्टिफिशियल एनिमल ब्रीडिंग। अब आर्टिफिशियल टेक्निक क्या है एनिमल ब्रीडिंग के लिए, चलिए इस पर बात करते हैं। देखो इसमें पहला जो हमें पढ़ना आर्टिफिशियल टेक्निक है वो पढ़ना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या पढ़ना है, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, फीमेल में आर्टिफिशियली क्या करते हैं, सीमेन को ट्रांसफर करते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, प्रोजनी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब कैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, इसमें जैसे आप बात करो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेल है सुपीरियर मेल या बुल वगैरह की आप बात करो, उससे हम करते क्या है, स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, स्पर्म को हम प्रिजर्व किस में करते हैं, स्पर्म में। ठीक है, अब या तो तुरंत ही स्पर्म को हम इंसेमिनेट कर सकते हैं आर्टिफिशियली फीमेल के अंदर, या तो स्पर्म बैंक में हम स्टोर कर सकते हैं फर्दर, अगर मान लो कि कोई अदर फीमेल है, फीमेल पास में नहीं है या काउ पास में नहीं है, ठीक है, तो हम उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, फ्रोजन फॉर्म में, फिर बाद में क्या करते हैं उसको, अब उसको जहाँ पे फीमेल हाउस्ड है वहाँ पे हम क्या करते हैं उसको भेजते हैं, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा सकते हैं। चलिए इसमें हम करते क्या है, स्पर्म को हम किस में ट्रांसफर करते हैं, फीमेल में, किस में ट्रांसफर करते हैं, फीमेल में, कैसे, आर्टिफिशियली। ठीक है, आर्टिफिशियली क्या करते हैं, फीमेल में ट्रांसफर करते हैं। जब वो फीमेल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर इम्ब्रियो फॉर्म होगा। ठीक है, इम्ब्रियो फॉर्म होगा तो फिर क्या होगा, इम्ब्रियो से क्या बनेगा, इम्ब्रियो से बनेगा ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो कैसा होगा, सुपीरियर होगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आसान प्रोसेस है, इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले जो सुपीरियर मेल या बुल मेल है जो भी है उसे स्पर्म पूरे करते हैं, कलेक्ट करते हैं स्पर्म बैंक में, यहाँ पे हम फ्रोजन फॉर्म में रखते हैं। और मेन पर्पज क्या है, जैसे फीमेल अगर दूर हाउस्ड है तो हम स्पर्म बैंक में उसको स्टोर करते हैं, बाद में जब भी इसे सबमिट कराना होता है तो उसको हम वहाँ पर क्या करते हैं, भेज देते हैं। अब हम करते क्या है, इसमें स्पर्म को आर्टिफिशियली क्या करते हैं, फीमेल में ट्रांसफर करते हैं, तब क्या होगा, आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एम्ब्रियो से क्या होगा, ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा, इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन। ठीक है, सेकेंड जो हमें पढ़ना है, इसमें सेकेंड हमें पढ़ना है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर।
एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, MOET। ठीक है, अब इसमें क्या करते क्या है, हम सबसे पहले हम करते क्या है, जो फीमेल है उसको हम करते क्या है, FSH फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स का हम क्या करते हैं, हार्मोन्स का इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जिसके वजह से फीमेल में क्या होता है, मल्टीपल एग या ओवुलेशन होता है। ठीक है, यानी वो 6 to 8 एग को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है उसके बॉडी में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सुपर ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, सुपर ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, सुपर ओव्यूलेशन। ठीक है, बाद में हम करते क्या है, आर्टिफिशियली क्या करेंगे, इंसेमिनेट कराएंगे। ठीक है, फीमेल को फिर होगा क्या, जायगोट बनेगा। जायगोट जब ब्लास्टोमियर स्टेज में होता है, यानी वो सबको 8 to 16 सेल स्टेज। ठीक है, ब्लास्टोमियर स्टेज में होगा तो हम करते हैं क्या, इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद हम करते हैं क्या है, इसको अलग अलग गिवन टू सरोगेट मदर्स। ठीक है, अलग अलग सरोगेट मदर्स में क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, जो एम्ब्रियो की ब्लास्टोमियर स्टेज है। ठीक है, उसको हम किसमें ट्रांसफर करते हैं, अलग अलग सरोगेट मदर में, और उससे हम क्या फॉर्म करते हैं, ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ऑफस्प्रिंग को हम क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को हम क्या करते हैं, इससे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये भी है आसानी प्रोसेस। इसमें करते हैं क्या, फीमेल को सबसे पहले क्या करते हैं, FSH हार्मोन्स को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे होता क्या है, वो मल्टीपल ओव्यूलेशन करता है, इसको बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन। 8 to 6 एक सेल में क्या करते हैं, प्रोड्यूस होता है उसकी बॉडी में। फिर जब उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराते हैं तो आगे जाकर फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जितने होंगे सारे फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, अब जायगोट जब बन जाएगा, जायगोट आगे जाके जब उसमें क्लीवेज होता है, जो ब्लास्टोमियर स्टेज में आता है, 8 to 16 सेल स्टेज में आता है, तब वहाँ से उसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद उसको किस पे ट्रांसफर कर देते हैं, अलग अलग सरोगेटिव मदर्स में, जिससे हम क्या फॉर्म करते हैं, ऑफस्प्रिंग फॉर्म करते हैं। और ये प्रोसीजर वापस हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोसीजर को वापस हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, या शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, MOET। ठीक है, तो आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आता है कि सुपर ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, इसमें हम करते हैं क्या है, जो सुपीरियर फीमेल है उसको हम करते हैं क्या, FSH की इंजेक्शन थ्रू क्या करते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं 6 to 8 सेल क्या होता है, प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, सुपर ओव्यूलेशन। फिर हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराते हैं और जायगोट फॉर्म होता है। जायगोट से क्या होता है, जब ब्लास्टोमिया की क्लीवेज स्टेज आता है 8 to 16 सेल स्टेज, तब वहाँ से उसको रिमूव कर लेते हैं जायगोट को। फिर उसको किसमें ट्रांसफर करते हैं, डिफरेंट सरोगेट मदर्स को, उससे क्या फॉर्म करते हैं, ऑफस्प्रिंग फॉर्म करते हैं, जो भी कैसा होता है, सुपीरियर होता है। इसी को बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, या MOET।